दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब महाबली महाशक्तिशाली संकट मोचन स्वयं भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर माह के इन 10 दिनों के अंदर मिलने वाली है 5 बड़ी तूफानी खबर। जा दोस्तों इन 10 दिनों में आपको भगवान बजरंगबली की कृपा से 5 बहुत बड़ी खुशखबरियों की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि इन 10 दिनों के अंतराल में कार्य सिद्धि योग, भाग्यवान योग, 2 राजयोग और 1 धन योग बन रहा है। जा दोस्तों बड़ा अच्छा समय इन 10 दिनों का आपके लिए रहने वाला है। आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। बताना चाहेंगे स्वयं संकट मोचन भगवान बजरंगबली अब आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट हैं उन सभी से आपको छुटकारा दिलवाने वाले हैं और आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। दोस्तों अब आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब आप अपनी किस्मत को कोसना बंद करो, रोना धोना बंद करो। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा इन 10 दिनों में जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि दोस्तों इन 10 दिनों के अंतराल में 5 बड़े परिवर्तन भी होंगे और ये 5 बड़े परिवर्तन आपको 5 बड़ी खुशखबरियों की प्राप्ति करेंगे। तो दोस्तों किस प्रकार इन 10 दिनों का समय रहेगा, कौन कौन से बड़े परिवर्तन होंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी, कौन कौन सी बड़ी तूफानी खबर की आपको प्राप्ति होगी जिससे आपका जीवन खुश में आनंद में बन जाएगा, वीडियो में वही आपको बताएंगे। यकीन मानिए जो भी आज की इस वीडियो को पूरी देख लेगा वह खुशी से नाचने लगेगा, क्योंकि उसको स्वयं महसूस हो जाएगा कि यह समय भगवान बजरंगबली की कृपा से आपके लिए बड़ा अच्छा है। भगवान बजरंगबली की कृपा इन 10 दिनों में आपके ऊपर बरस रही है, स्वयं आपको महसूस होगा। वीडियो में हम आपको खुशखबरियों के साथ कुछ सावधानियां भी बताएंगे, कुछ जरूरी बातों के बारे में बताएंगे जो कि इन 10 दिनों में आपको ध्यान में रखनी होंगी। इन बातों पर आपको अमल करना होगा जिससे कि इन 10 दिनों का जो समय है इसका अधिक लाभ आपको मिल सके। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सारे काम छोड़कर शुरू से अंत तक बिना काटे बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना कि किस प्रकार भगवान बजरंगबली यानी कि संकट मोचन भगवान बजरंगबली आपके जीवन में खुशियों की आपको प्राप्ति करने वाले हैं, बारिश करने वाले हैं खुशियों की आपके जीवन में। अंत तक वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे शुरू करें वीडियो को, सबसे पहले तो भगवान बजरंगबली के सच्चे भक्त लाइक करना वीडियो को सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखना जिससे भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। भगवान बजरंगबली की कृपा आपके और आपके घर परिवार वालों के ऊपर सदैव बरसे। तो चलिए समय को न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार भगवान बजरंगबली संकट मोचन भगवान बजरंगबली की कृपा से आपकी राशि वालों के लिए 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर माह के 10 दिनों का यह समय रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जा दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, आपको यह सोचना है कि दूसरों की बातों में आकर कुछ कार्य करने हैं, आपको अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपने ऊपर निर्भर रहें, आत्म समर्पण रहें, आप विश्वास रखें कि आपको कामयाबी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बस आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करें और आगे बढ़े। तो चलिए समय न गवाते हुए आपके 10 दिनों का संपूर्ण राशिफल बता देते हैं किस प्रकार रहेगा आपके लिए का समय। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस समय आप कड़ी मेहनत व परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। घर परिवार के साथ समय
व्यतीत करने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। आपको बता दें, इस समय में आप किसी समारोह या फिर किसी सम्मेलन में भी जा सकते हैं, इसका अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, तथा आपको सम्मान के साथ साथ आपकी अभावक्त भी रहेगी। संतान संबंधी कार्य जैसे कि विवाह, नौकरी आदि की भी योजना बन सकती है, योजनाएं सफल भी रहेंगी, मेहमानों की आवाजाही भी रहेगी। और आपको यह भी बता दें कि इस समय, मतलब यह जो समय रहेगा, जो समय की गति रहेगी, ग्रह नक्षत्रों की जो चाल रहेगी, उनका शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा, मतलब आपके पक्ष में समय साबित होगा, समय की गति आपके पक्ष में रहेगी। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, कोई समस्या परेशान कर रही है, धन से संबंधित हो, पारिवारिक जीवन से समस्या संबंधित हो, संतान पक्ष से संबंधित समस्या हो, तो उससे आपको समाधान मिलेगा, राहत मिलेगी आपको। और साथ ही साथ कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के लिए भी समय अच्छा रहेगा, निवेश कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। परंतु आपको एक बात की विशेष सावधानी यह बता दें कि किसी पर भी आपको आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, अन्यथा आप पतन की ओर चले जाएंगे, मतलब आपका पतन निश्चित है, आपको हानि पहुंच सकती है। जैसे कि किस क्षेत्र में बता दें आपको, अगर किसी को धन दे रहे हैं तो धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। घर परिवार के सदस्य को मालूम होना चाहिए कि आप किसको धन दे रहे हैं, चोरी छुपे आपको धन किसी को नहीं देना है, नहीं तो धन फंस सकता है आपका। और साथ ही साथ यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी या फिर मकान या फिर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, तो समय का आपको साथ मिलेगा, खरीद सकते हैं, समय अच्छा है। और आपको इस बात की जानकारी दे दें, इस बात को तो आप विशेष रूप से ध्यान में उतार लें कि आपको इस समय अपने गुस्से पर जरूर नियंत्रण रखना होगा, अपने आवेश पर जरूर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। गुस्से पर आवेश पर नियंत्रण जरूर रखें। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, इस समय जो लोग नौकरी प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति संबंधी विचार कर रहे हैं या कोई उन्होंने परीक्षा दी है, तो उसका परिणाम भी आपके पक्ष में साबित होगा, भरपूर साथ मिलने वाला है आपको इस समय में। और आपको यह भी बता दें कि धन लाभ के कुछ अवसर तो आपको प्राप्त होंगे, परंतु उन अवसरों को भुनाना आपके हाथ में है। अवसर तो मिलेंगे, लेकिन उनका किस प्रकार सदुपयोग करना है वे आपके ऊपर निर्भर करता है, तो कोई भी मौका आए तो हाथ से ना जाने दें। और बेफिजूल के खर्चों से भी आपको बचना होगा, संतुलित बजट बनाने की आपको अति आवश्यकता है। और आपको यह बता दें, यदि कोर्ट संबंधी कोई मामला चल रहा है तो उस मामले से संबंधित कोई शुभ समाचार आपके पक्ष में आ सकता है। और यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जानना अति आवश्यक है, जैसे कि व्यापार संबंधी हर दस्तावेजों को पूर्ण रखें आप, अन्यथा कोई कमेटी बैठ सकती है, आपको हानि भी हो सकती है। सब चीज ऐसे तैयार रखें कि कोई भी देखे तो समस्त कागजात आपके पूर्ण रहे, किसी प्रकार की त्रुटि आपके कार्य में ना हो, गलत ना करें, कोई भी कार्य करें अच्छा करें, गलत ना करें, किसी के नुकसानदायक ना हो, अन्यथा कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जिससे किसी को क्षति पहुंचती है तो आपको भी क्षति पहुंचना संभव है। तो जो कार्य करें अच्छे कार्य करें। और आपको बता दें
कि यदि आप सरकारी नौकरी करते तो सरकारी नौकरी से संबंधित स्थान परिवर्तन को लेकर आपकी कोई योजना है, नीति चल रही है, तो उसमें आपको कामयाबी भी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है इस समय में आपको साथ देंगी वे, ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है। और आपको यह बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, वे आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं, बस पहचानना आपको है, सगे संबंधी हो सकते हैं, आस पड़ोस के हो सकते हैं। तो इससे बचने का सबसे सरल उपाय है कि अपने कार्य के प्रति लगाव रखें, किसी की बातों में ना आए, जो कार्य कर रहे हैं अपने ऊपर विश्वास कर कार्य में परिपूर्ण तरीके से लगे रहें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। और आपको यह भी साथ ही साथ बता देते हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी आप थोड़ा सचेत रहें, समय समय पर खान पान पर ध्यान देते रहें, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज ना खाएं जो शरीर के लिए हानि पहुंचाए। सब मंगल ही मंगल होगा आपका, व्यायाम करते रहें, स्वस्थ रहेंगे आप। और साथ ही साथ आपको बता दें, यदि पति पत्नी के बीच कोई नोक झोंक है तो वह भी समाप्त हो जाएगी, प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे, समय अच्छा है और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। संतान की शिक्षा व करियर संबंधी गतिविधियों में भी यह समय आपका साथ देगा। कुल मिलाकर पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहने वाला है इस समय में। और दोस्तों, जाते जाते यही बात कहेंगे कि किसी पर भी विश्वास करना सोच समझ कर करना, अन्यथा आप जिस पर विश्वास करेंगे वह आपके अच्छे व्यवहार के प्रति, जो आपका एक अच्छा स्वभाव व्यवहार है, इसका गलत उपयोग कर सकता है, आपको क्षति हानि पहुंचा सकता है। बस यही कहना चाहेंगे कि सावधान रहें आप हर तरीके से। धन्यवाद।